नमस्कार uh, मैं माफी चाहता हूं मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा मैं हिंदी में सोचता हूं और अगर बीच में मेरे अंग्रेजी निकल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी है मैं बहुत कुछ सोच के आया था मैं ये बोलूंगा आई विल नॉट मेक इट पर्सनल आई विल नॉट मेक इट एंटी बीजेपी आई विल नॉट मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल वट ऑल हैज गॉन रॉन्गर बट आई आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड and saddened by what you said, mr. ganguly. being a judge, it's so sad that you are calling the verdict of supreme court was wrong. it's so sad that you have to say that. It's, it's a matter of complete disgrace that you were hounded by the press and you were intolerant of them when there was a case against you. and today, you talk about that what happened in jaini was right. वेरी सॉरी सर लेटमी आस्क यून क्वेश्चन वी आर टोटली फॉर गेटिंग एंड वी आर मेकिंग एरो आउट ऑफ वन गायज पार्टिसिपेंट इन द नाइट ऑफ नाइन्थ फेबर एंड वॉट व नाराज दैट वोइंग ऑन अवर देअर गुस्से में अंग्रेजी निकल आई सॉरी क्या नारे हो रहे थे वहां पर भारत की बर्बादी वहां क्या नारे हो रहे थे अफजल गुरु हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा हैं ंग थे उसके कातिल सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके कातिल थे क्या कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इन शाह इनशाला बात थी इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग इट यू आर सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग एंड दैट द अफसल गुरुज जजमेंट वाज रॉन्ग इट्स एब्सोल्युटली अनपार्डनेबल योर ऑनर लेट मी नो नो यू कैंट स्पीक इन बिटवीन सर लेट मी फिनिश आई एम सॉरी इट्स माई टाइम you are talking about Surjay ji you talked about full list of you have prepared a list of what bjp spoke about you forgot that 84 emergency was declared by indira gandhi your leader sir that was the biggest intolerance in the country ever all those people were jailed who spoke about against the people who were innocent people who were journalists People who were talking about anything, there were whisper campaigns, they were all put behind bars, including my grandfather. You are talking about one by one. You fo totally forgot. Unfortunately, you, you know what I think who is the most tolerant uh, uh, people in this country is Congress. They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country yeah. and can't even say to each other that we are wrong. We are so sorry. This is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other. What are doing? Where That is the tolerance that you have shown. But show that tolerance once in Parliament, and let the Parliament function, sir. If you can tolerate that person, then you can tolerate anything in the world. You know. से किसी ने भी टॉलरेंस वर्ड को पिछले आठ महीनों से पहले सुना था या इन टॉल को नहीं सुना था यह मार्किट किया गया है क्योंकि हार जो शिकस्त हुई है इतनी बुरी तरह से ऑपोजिशन वालों की उस शिकस्त का बदला लिया जा रहा है कैसे ले बदला प्राइम मिनिस्टर पूरी मेजोरिटी से जीता है दो सौ बयासी सीटें आई हैं एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया कैसे बन गया हम तो गुलाम हैं हम तो गुलामी की आदत है हमें अंग्रेजों से मुगलों से और अब बाहर के कुछ लोगों से हमें गुलामी की आदत है ये कैसे बन गया प्राइम मिनिस्टर भाई प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दो साल से या पौने दौल से आज तक छुट्टी नहीं ली है आई एम नॉट एडवोकेटिंग स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एन एज एन एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री people say that you are talking about Mr. Promodi because your wife is a BJP. I have ha I am married to Kiran for the last 30 years. I don't have to prove my loyalty to her by being talking on behalf of BJP. <laughs> <laughs> आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारा prime minister दिल्ली में जाकर आपने बर्दाश्त किया 10 साल एक ऐसे prime minister कुछ चुप रहा। दस साल आपने कैसे prime minister को बर्दाश्त किया सरकार? और हमारा prime minister जो है आज

भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है पिछले दो साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या और पिछले दस साल से भ्रष्टाचार की ही बात हुई? यही बातें होती नहीं अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है तो क्या करें कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दे फैलाओ इसको फैलाओ इसको फैलाओ इसको टॉलरेंट इन टॉलरेंट सो मच सो दैट दादा हैज टू टॉक अबाउट इन टॉलरेंस इन दिस कोलकाता क्लब दिस इज अ नो डिबेट सर पीपल आर टॉलरेंट यू नो हु आर टॉकिंग अबाउट इन टॉलरेंस द इंटेलेक्चुअल्स द रिच द फेमस हु ट्रैवल विद 20 बॉडीगार्ड्स एंड टॉक अबाउट इन टॉलरेंस इफ यू आस्क अबाउट अ मैन ऑन द स्ट्रीट भैया इन टॉलरेंस क्या इन टॉलरेंस क्या इन 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 क्या उससे भी डिफिकल्ट असहुद भैया हमारे को दो वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बड़ी बात है मुझे नहीं बात करनी है इनटॉलरेंस मैं तो काम करता हूं अपना। तो जो फाइव स्टार होटल्स में, जो वो कल्चर है इंडिया हैज बिकम सच एन इनटॉलरेंट कंट्री अरे आप हिंदुस्तान में बात कर रहे हो कलकत्ता में बात कर रहे हो या अमेरिका में बात कर रहे हो

आपसे भीख मांग के नहीं बोला कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो उन लोगों ने जो कैंपेन किया था जिन लोगों ने कि प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी साहब को वीजा अमेरिका का नहीं मिलना चाहिए उन सबको असंशोधा नजर आ रही है बिकॉज वो तो बन गए प्राइम मिनिस्टर और उनको वीजा क्या उनको अमेरिका ने हाथों हाथ लिया रेड कार्पेट बिछाया वो गले लगाते हैं ओबामा साहब को उस पर भी तकलीफ मुझ पर भी तकलीफ तो जो भी उसके फेवर में बोले लेट बोलेटस कॉल हिम लेट मेक हिम इनक्रेडिबल लेट एस मेक हिम दैट उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दो अनुपम खेर मार्च निकालते हैं स्वतंत्रता के लिए हिंदुस्तान के बारे में मार्च निकालते हैं, बोल दो ये तो चमचा है अनुपम खेर को पद्म भूषण मिलता है बोलता है इसलिए मिलता है क्योंकि चमचा है बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं आई आई नेवर थॉट वाज सो इंपॉर्टेंट पर्सन हैंडिटोरियल लिखे जा रहे हैं सर टू यू सर आप बोलते हैं आंटी नेशनल और छियासठ छियालीस साल के आदमी को आप यूथ आइकॉन है बोलते हैं नहीं सर जिस दिन राहुल गांधी साहब मैं चाह रहा था नाम ना लूं लेकिन नाम लेना जरूरी है जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के वन टेंथ भी होंगे मेरा वोट उनको जाएगा पांच साल तो दीजिए काम तो करने दीजिए देश के लिए पांच साल के बाद निकाल दीजिए बाहर पांच साल के बाद कही हमको ऐसी इंटॉलरेंट सरकार नहीं चाहिए नहीं चाहिए हम ऐसी सरकार निकल जाएंगे पांच साल काम तो करने दीजिए आप ये क्या बिड़ा उठा रखा आपने सिर पर हम तो मैं प्रूव करके रखेंगे यहां के नेता ने अरे सर आपके एमपी ने बोला था किसी दूसरे एमपी को देखकर श्री दिग्विजय सिंह ने कि क्या टंच माल है इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है मैं वो प्रिपेयर करके नहीं आया हूं लिस्ट कि आपके लोगों ने क्या क्या बोला आई एम नॉट डिपेंडिंग जिन्होंने बोला उनको ओम नमस्कार उनको अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं चाहे वो बोल के कि हमारे देश में बहुत इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस है, है क्या ये देखिए टॉलरेंस ये लोगों को ये है टॉलरेंस कि आप सबकी बात सुन रहे हैं और किसी ने हूट नहीं किया जस्टिस गांगुली आपको दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस I have seen you on television, Sir, when the camera was going onto your face, how you were getting intolerant about camera. Don't, no, don't do that. So my friends, this is a great country. Let's tolerate the intolerance of these people. Thank you very much.